तेलंगाना में बाढ़ से प्रभावित नाराज स्थानीय लोगों ने विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी पर चप्पल फेंकी और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इब्राहिम पट्टनम के विधायक मंकी रेड्डी, किशन रेड्डी और अन्य टीआरएस कार्यकर्ता गुरुवार को बाढ़ प्रभावित मेड़ीपल्ली क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे। बाढ़ की वजह से तमाम परेशानी झेल रहे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अपने गुस्से का इजहार करते हुए लोगों ने विधायक और उनके साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं पर चप्पलें फेंकी। रिपोर्ट के मुताबिक विधायक की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से राज्य को लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री राव ने इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 1,350 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग की है। बता दें कि तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। कई सड़क धस गई है तो कहीं कार पूरी तरह से डूब गई और कई घर पानी में डूब गए। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।